हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फोर्स एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। 3 मार्क का स्पेशल बाय तन्वी मैम में आप सभी का स्वागत है। कंटिन्यू करते हैं अपने सेशन को। एक रिकॉल हम लास्ट सेशन का लेंगे जिसमें हमने गुप्ता डायनेस्टी को पूरी तरीके से पढ़ा है। इन दैट वी हैव स्टडीड द मेजर रूलर्स ऑफ गुप्ता डायनेस्टी एज वेल एज द मेजर टर्मिनोलॉजीज दैट आर ऑफन आस्क्ड इन गुप्ता डायनेस्टी, राइट। आज हम पढ़ेंगे कि गुप्ता डायनेस्टी के समय पर कितनी इंपॉर्टेंट कंपोजिशंस हुई हैं, यानी कि कितनी किताबें लिखी गई हैं। मैं एक बार थोड़ा सा ट्रेंड आपको समझाना चाहूंगी कि गुप्ता डायनेस्टी यानी कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 3rd century AD की, राइट। कौन से समय की आप बात कर रहे हो? 3rd century AD की बात कर रहे हैं। इस समय पर बेटा जो राइटिंग्स हुआ करती थी, जो कंपोजिशन हुआ करती थी, इसका ट्रेंड एकदम से बदलते हुए नजर आया। एक ट्रेंड में चेंज आपको देखने को मिला। अब क्वेश्चन ये बनता है, भाई हमारे दिमाग में ऐसा क्या है, ट्रेंड बदल गया? तो ध्यान दीजिएगा, देखिए होता क्या था। अगर हम बात करें कि हमें कब से लिखी हुई चीजें मिलने लगी, यानी कि राइटिंग्स मिलने लगी, तो ध्यान दीजिएगा, आपको लिखा हुआ तो हरप्पन सिविलाइजेशन से ही मिलना शुरू हो गया था। कहां से शुरू हो गया था बेटा? हरप्पन सिविलाइजेशन से ही शुरू हो गया था। लेकिन एक बहुत बड़ी रीजन ये है कि वी कुड नॉट डेसिफर इट, हम तो उसको पढ़ ही नहीं पाए। अब जब हम उसे पढ़ ही नहीं पाए तो समझ नहीं पाए, और इस राइटिंग का कोई मतलब नहीं रहा। फिर आता है आपका वैदिक एज, ठीक है। फिर कौन सी एज आई बेटा? वैदिक एज आई, जो कि लगभग यहां पर आप देखेंगे तो 1500 BC से शुरू हुई। कहां से शुरू हुई? 1500 BC से शुरू हुई, जिसके अंतर्गत 4 वेद लिखे गए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्वेद। आप सभी लोग इस बात को जानते हैं। अब इतना बैकग्राउंड में जाने की जरूरत क्या थी जब हम गुप्ता का कंपोजिशन पढ़ रहे हैं? तो जरूरत ये थी कि जब इनिशियली यहाँ पर राइटिंग्स शुरू हुई, लिखावट शुरू होगी, तो ये जो राइटिंग्स हुआ करती थी वो कैसे नेचर की थी? रिलीजियस नेचर की थी, ठीक है। इसको याद रखिएगा, कैसे नेचर की राइटिंग्स थी बेटा? रिलीजियस राइटिंग लिखी जाती थी, ठीक है। फिर यहाँ पर ब्राह्मणास लिखे गए, वेद के बाद उपनिषद्स लिखे गए, पुराण्स लिखी गई, ऐसी कई सारी कंपोजिशंस हैं जो हमने लगभग 600 BC तक देखी, ठीक है। बल्कि 600 AD तक भी ये कंपोजिशन होती रही, जैसे कि रामायण, महाभारत एक्सेट्रा। अब लेकिन 3rd century से, बल्कि अगर हम कहें तो 1st और 2nd century से ही एक ट्रेंड जो है वो बदलता हुआ नजर आ रहा था, जो गुप्ता टाइम पर अपने पीक पॉइंट पर पहुंच गया। अच्छा, ट्रेंड क्या था भाई? कि ये जो रिलीजियस टेक्स्ट है ना, ये जो रिलीजियस टेक्स्ट है, अब वो कैसी होती जा रही हैं? सेक्युलर टेक्स्ट होती जा रही हैं, यानी कि ऐसी कहानियां होती हैं जिसमें किसी धर्म की परिपेक्षता नहीं होती। यानी कि द टेक्स्ट डज नॉट टॉक अबाउट एनी पर्टिकुलर रिलीजन, रेदर, अच्छा अब रिलीजन नहीं रहता तो ये बता क्या रहे हमको? मेजरली ये ड्रामा होते थे। कैसे टेक्स्ट होते थे बेटा? मेजरली ये ड्रामा टेक्स्ट होते थे, जिसमें अगर हम कालिदास की बात करें, ही वाज वन ऑफ द ग्रेट ड्रामाटिस्ट ऑफ दैट टाइम, जिन्होंने हमें कई सारी कहानियां जो हैं वो बताई हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहां तक की कहानी क्लियर हुई? ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी। अब हम बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की, जो है कि इम्पॉर्टेंट कंपोजिशन ऑफ गुप्ता पीरियड। भाई गुप्ता कालीन समय पर जितने भी इम्पॉर्टेंट कंपोजिशन हुई हैं, किताबें लिखी गई हैं, उन सभी को आज ही हम याद करेंगे। मान लीजिए अपने दिमाग में बिठा लो कि ऐसे 3 मार्कर्स भी आ सकते हैं, और सीधे सीधे 11 मार्कर भी पूछा जा सकता है कि राइट इम्पॉर्टेंट कंपोजिशन अबाउट गुप्ता पीरियड, ठीक है। तो 3 मार्कर स्पेशल में सिर्फ 3 मार्कर ही कवर नहीं हो रहा, आपका 5 और 11 भी फोकस किया जा रहा है। चलिए सबसे पहले व्यक्ति जिसकी हम बात करेंगे, ही इज कालिदास, ठीक है। कौन है भाई? कालिदास है। देखिए कालिदास का प्रेजेंस हमें गुप्ता डायनेस्टी के अंतर्गत देखने को मिला। मेजरली किसके समय पर भाई? तो मेजरली चंद्रगुप्त 2 के समय पर, ठीक है। किसके समय पर? चंद्रगुप्त 2 के समय पर। इन्होंने जो कंपोजिशंस करके हमको दी हैं, इसी वजह से इन्हें एक टाइटल से नवाजा गया, जो है शेक्सपियर ऑफ इंडिया। क्या है भाई? शेक्सपियर किसका कहते हैं हम इनको? भारत का शेक्सपियर कहते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि वो कौन सी कंपोजिशंस हैं जो कालिदास ने हमको दी हैं। सबसे पहले तो भाई वो देते हैं ऋतु संहारा। याद करिएगा, 7-8 कंपोजिशन है, बिल्कुल दिमाग में इन अ वन गो याद होनी चाहिए। सबसे पहली है आपकी ऋतु संहारा। अच्छा, ऋतु संहारा से आपको क्या समझ में आता है?
ऋतु समारा से हमको ये समझ में आता है कि ये हमें सीजन्स की इंफॉर्मेशन दे रही है, राइट? किसकी इंफॉर्मेशन दे रही है बेटा? ये हमें सीजन्स की इंफॉर्मेशन दे रही है भारत के। फिर दूसरी आती है मेघदूत। क्या आ रहा है भाई? मेघदूत आ रहा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कंपोजिशन देखिए, कुमार संभवम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगली किताब है कुमार संभवम, जो कि बेसिकली कहानी है लॉर्ड शिवा की, राइट, प्लस उनकी पार्वती जी की, ठीक है। तो लॉर्ड शिवा और पार्वती की कहानी है कुमार संभवम। कुमार संभवम कहानी में बेसिकली जो उनके पहले बेटे थे कार्तिकेय, उसकी कहानी उन्होंने रिप्रेजेंट करी है कालिदास जी ने, बहुत ही प्यारे फॉर्मेट में, ठीक है। मेजरली ये सारी बातें किस में लिखी जा रही थी? तो मेजरली ये सारी बातें संस्कृत लैंग्वेज में लिखी जा रही थी। ही हैज यूज्ड द लैंग्वेज संस्कृत फॉर हिज कंपोजिशंस, राइट। तो हम तीसरी कंपोजिशन देख रहे थे कुमार संभवम, दैट इज द स्टोरी ऑफ लॉर्ड शिवा एज वेल एज गॉडेस पार्वती, ठीक है। टॉकिंग अबाउट देयर फर्स्ट चाइल्ड दैट इज कार्तिकेय, अपने पहले बेटे जन्म की बात कर रहे थे, वो कार्तिकेय की बात कर रहे थे। नेक्स्ट यहाँ पर आइएगा रघुवंशा, राइट, ध्यान दीजिएगा बेटा। दूसरी कहानी यहाँ पर क्या है? रघुवंशा कहानी है जो रघु डायनेस्टी के बारे में बात करती है। किस डायनेस्टी के बारे में बात करती है बेटा? रघु डायनेस्टी की कहानी जो है हमको सुना कर देती है, ठीक है। तो दूसरे कंपोजिशन समझ में आया। इसके बाद आते हैं अभिजनान शकुंतलम, ठीक है। अभिजनान शकुंतलम भी एक लेडी थी जिनका नाम था शकुंतला, ठीक है। क्या नाम था बेटा? शकुंतला। उनकी कहानी हमें कहाँ से मिलती है? अभिजनान शकुंतलम से मिलती है। अब आइए नेक्स्ट, दैट इज मालविका अग्निमित्रा, वेरी इंपॉर्टेंट कंपोजिशन। प्री में इसके क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। मालविका अग्निमित्रा जो है वो दो लोगों की कहानी है, ठीक। एक थे आपके राजा अग्निमित्र। कौन राजा थे बेटा? शुंग डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर है ये अग्निमित्र। अग्निमित्र की लव स्टोरी मालविका के साथ, किसके साथ बेटा? मालविका के साथ। अग्निमित्र की लव स्टोरी मालविका के साथ जो है वो एस मालविका अग्निमित्रम रूप से कालिदास ने प्रेजेंट की। आगे बढ़ेंगे तो विक्रमो वसैयम, राइट। विक्रमो वसैयम जो है ये कहानी है राजा पुरावास की, राइट। किसकी कहानी है? राजा पुरावास की कहानी है एक लेडी उर्वशी के साथ। किसके साथ? उर्वशी के साथ, ठीक है। और यही सारी कंपोजिशंस भारत को किसने दी? कालिदास द ग्रेट राइटर ऑफ इंडिया ने दी, ठीक है। अब एक बार हम फिर से वापस से रिकॉल करेंगे। पहली कंपोजिशन इनकी थी ऋतु संहार, दूसरी मेघदूत, एक सीजन्स के बारे में बता रही है, एक भारत के फ्लोरा फौना के बारे में बताता है। कुमार संभवम लॉर्ड कृष्ण पार्वती की कहानी, रघुवंशा रघु डायनेस्टी की कहानी, अभिजनान शकुंतलम शकुंतला की कहानी, मालविका अग्निमित्रम राजा अग्निमित्र और मालविका की कहानी, और आखिरी में आ रही है विक्रमो वसैयम उर्वशी की कहानी पुरावास राजाओं के साथ। चलिए अब बताएं यहाँ तक की कहानी क्लियर है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं हम इंपॉर्टेंट कंपोजिशन जिसमें आता है विशाख दत्ता का नाम, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्ले राइटर इस एरा के रहे हैं विशाख दत्ता। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इन्होंने दो कंपोजिशंस लिखी हैं। कौन कौन सी कंपोजिशंस लिखी हैं भाई? मुद्रा राक्षसा, ठीक है। कौन सी कंपोजिशन है? मुद्र राक्षसा। और दूसरी कंपोजिशन गॉडेस नहीं है, इसको काटिएगा, देवी चंद्रगुप्तम है वो, ठीक है। क्या नाम है उसका? देवी चंद्रगुप्तम। अब कैसे याद रखना है इसको भाई? मूत्र रक्षा के द्वारा ये जो दी गई किताब थी ना, इसका इम्पोर्टेंट हमें कहाँ से नजर आता है? देखिए मूत्र रक्षा का जो है ये हमको मौर्यन डायनेस्टी के बारे में बताता है। हैरानी वाली बात है थोड़ी सी, लेकिन विशाख दत्ता ने जो कि गुप्त डायनेस्टी के समय पर प्रेजेंट थे, इन्होंने दो कंपोजिशंस लिखी, दो किताबें लिखी। एक है मुद्र राक्षका। मुद्र राक्षका हमें किस डायनेस्टी के बारे में बताता है? मौर्यन डायनेस्टी के बारे में बताता है। और दूसरी हमारी किताब है देवी चंद्रगुप्तम, जो हमें चंद्रगुप्त टू यानी कि गुप्ता डायनेस्टी की इंफॉर्मेशन देता है।
ठीक है। दोनों ही कंपोजिशंस किसने लिखी हैं? दोनों ही कंपोजिशंस विशाख दत्ता ने लिखी हैं, जो गुप्ता डायनेस्टी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोजिशंस में गिनी जाती हैं। नेक्स्ट यहां पर आइएगा, भाषा द्वारा लिखी गई किताबें। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। भाषा ने यहाँ पर तीन मुख्य किताबें लिखी हैं, जिसमें कई नाम आते हैं, जैसे कि अरुभंगा, राइट। पहली किताब क्या है भाई? अरुभंगा। दूसरी है चारुदत्ता, ठीक है, और तीसरी क्या है? स्वप्नवासव दत्ता। इसको मार्क करिएगा, स्वप्नवासव दत्ता। अच्छा, भाषा के द्वारा दी गई किताबें तीन। सबसे पहली कौन सी है भाई? तो सबसे पहली अरुभंगा, चारुदत्ता, स्वप्नवासव दत्ता। तीनों किताबों को दिमाग में बिठा लो, चाहे फिर वो प्रिलिम्स हो चाहे वो मेंस हो, दोनों पर्सपेक्टिव से हो गया आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर पोएट के रूप में आपको देखने को मिलते हैं डंडिन। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोएट है, जिनका प्रेजेंस हमको गुप्ता समय पर देखने को मिला, या फिर गुप्ता डायनेस्टी से रिलेटेड इन्होंने कुछ बातें लिखी हैं। तो ये क्या करते थे? ये काव्य दर्शन करते थे। काव्य दर्शन आप समझते हैं, ये बेसिकली पोएट्री लिखते थे, ठीक है। इनकी पोएट्री का जो नाम है वो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दश कुमार चरितम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दंडिन के द्वारा लिखी गई पोएट्री दश कुमार चरितम। बार बार इस चीजों को बोला करो, ताकि जो डिफिकल्ट शब्द हैं वो आप लोगों को यही याद हो जाएं, ठीक है। तो भाई दंडिन ने क्या लिखा? दश कुमार चरितम लिखी। भाषा ने क्या लिखा? अनुभंगा लिखा, चारुदत्ता लिखा और स्वप्नवासव दत्ता लिखा। फिर से आइए, दंडिन ने क्या लिखा? तो दश कुमार चरितम लिखी, जो कि एक पोएट्री है, और ये काव्य दर्शन में एक बहुत ही बढ़िया व्यक्तित्व के रूप में हमें गुप्ता डायनेस्टी के समय पर देखने को मिलते हैं, राइट। नेक्स्ट कम्स हियर द ग्रेट पर्सनालिटी ऑफ इंडिया, दैट इज आर्यभट्ट, राइट। आर्यभट्ट का तो आपको पता है, कंपोजिशन को क्या कहते थे? आर्यभट्टियम कंपोजिशन कहते थे। इसी से ही हमको पहला पाई का जो रेलेवेंस है, या पाई की जो इंफॉर्मेशन है, वो हमको कहाँ से मिली? आर्यभट्टियम से मिली। ये ना ही सिर्फ एक मैथ्स के लिए टिट्राइटिस थी, बल्कि हमें हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस में भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन प्ले करती है। तो आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई किताब का नाम क्या था? आर्यभट्टियम था। इसके साथ साथ सूर्य सिद्धांत, आप सभी को पता है कि आर्यभट्ट वॉज द फर्स्ट पर्सनैलिटी, राइट। आर्यभट्ट वॉज द फर्स्ट पर्सनैलिटी जिसने हमें ये बताया कि जो प्लैनेट्स हैं वो कैसे हैं? सर्क्यूलर हैं। और सूर्य का जो सिद्धांत है कि भाई सूर्य बीच में है और प्लैनेट्स उसके आसपास घूम रहे हैं, ये हमें किसने बताया? आर्यभट्ट ने बताया, और उनकी किताब सूर्य सिद्धांत में बताया, राइट। इस तरीके के सिद्धांत नाम से कई सारी किताबें, लेकिन ये याद रखना, जो सूर्य का सिद्धांत है वो किसने बताया भाई? तो आर्यभट्ट ने बताया। और इसके साथ साथ ब्रह्म सिद्धांत भी किसने बताया है हमें? आर्यभट्ट ने बताया है, ठीक है। तो आर्यभट्ट की कितनी कंपोजिशन है? तीन इंपॉर्टेंट कंपोजिशन है, आर्यभट्टियम, सूर्य सिद्धांता, ब्रह्म सिद्धांता, याद रहेंगी बिल्कुल। नेक्स्ट आइए यहाँ पर वराहमिहिर पे, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। देखिए, वराहमिहिर ने यहाँ पर किताबें लिखी हैं, जैसे कि पच सिद्धांतिका। तो मैंने इसलिए कहा आपको थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि सिद्धांतिका या सिद्धांत नाम से कई सारी कंपोजिशन है, हम यूजली कंफ्यूज हो जाते हैं। जब पंच सिद्धांतिका की बात आएगी तो वो लिखी गई थी वराहमिहिर के द्वारा, या फिर बृहत संहिता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बृहत संहिता भी किसने लिखी है? बृहत संहिता भी वराहमिहिर ने लिखी है। पंच सिद्धांतिका, पांच प्रिंसिपल्स की बात करें तो ये भी किसने लिखी है? वराहमिहिर ने लिखी है। हमने छह मेजर पर्सनैलिटीज ऑफ गुप्ता एरा के बारे में यहाँ पर पढ़ लिया है। इसके साथ साथ कुछ और भी इंपॉर्टेंट कंपोजिशंस हैं जो मैं आप लोगों को पढ़ाना चाहूंगी, जो कि गुप्ता एरा से इंपॉर्टेंट है। देखिए, अदर कंपोजिशंस में अगर हम बात करें तो एक मेजर किताब की बात होती है जो है पंचतंत्र, राइट। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई? विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई। अगर रिसेंटली अगर आप लोगों ने कश्मीर फाइल्स नाम की मूवी देखी हो, तो उस मूवी में भी इस किताब का रेलेवेंस था, उस मूवी में भी इस किताब का मेंशन था, राइट। तो पंचतंत्र किसने लिखी थी? विष्णु शर्मा ने लिखी थी, ठीक। इसके बाद एथिक्स से रिलेटेड एक किताब है कमंडका, वो भी इसी समय पर लिखी गई, ठीक।
कामसूत्रा जो हमें लव लाइफ सेक्स लाइफ के बारे में बताती है, ये किसके द्वारा लिखी गई? वत्स्यायन के द्वारा लिखी गई। इसको याद रखिएगा, कामसूत्रा किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? वत्स्यायन की तरह लिखी गई थी। जब आप खजुराहो टेम्पल्स को विजिट करेंगे, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स को विजिट करेंगे, तो यू विल सी कि वहाँ पर बहुत एग्जॉटिक आर्ट स्कल्पचर्स हैं मंदिर के बाहर। तो वो जो स्कल्पचर्स के डिज़ाइंस हैं वो कहाँ से निकल के आते हैं? वो इसी किताब से निकल के आते हैं। ठीक है, आगे बढ़िएगा। मृच्छकटिकम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक, ये किसने लिखी थी भाई? तो ये शूद्राका के द्वारा लिखी गई। कौन सी किताब है? मृच्छकटिकम, जो लिखी गई थी शूद्राका के द्वारा। और कृतार अर्जुनिया, वेरी इंपॉर्टेंट, भैरवी ने लिखी। राइट, कौन सी किताब है यहाँ पर? किरतार अर्जुनिया किताब है। अमर कोशा बाय अमर सिंह, और ये जो अमर सिंह व्यक्ति हैं, he was among the nine jewels of नौरत्न, किसके थे? चंद्रगुप्त टू के। राइट, अमर सिंह जो है वो चंद्रगुप्त के नौ रत्नों में से एक हैं, जिन्होंने अमर कोश नाम की किताब भी लिखी है। ठीक है, वराहमिहिर, वरारुचि, आर्यभट्ट, कालिदास, ये सभी जो हैं, दे आर अमंग द नाइन ज्वेल्स ऑफ चंद्रगुप्त टू, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने क्या किया है? आज के सेशन में हमने सारी इंपॉर्टेंट किताबें देखी हैं जो रेलिवेंट हैं गुप्ता पीरियड से। एक बार फिर से हम इसको रिकॉल करेंगे ताकि आप लोग कुछ भी भूलें ना। एक फटाफट से क्विक रिकॉल देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत करी थी कालिदास से। कालिदास की कंपोजिशन है ऋतु संहार, मेघदूत, कुमार संभवा, रघुवंशा, अभिजनान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रा और विक्रमो वसैयम। ठीक, इसके बाद मैंने आपको बताया मुद्राक्षका और इसके साथ साथ देवी चंद्रगुप्तम के बारे में, जो कि लिखी गई थी किसके द्वारा? विशाख दत्ता के द्वारा। तीसरा कंपोजिशन हमने देखा भाषा का, जिसमें लिखा अरुभंगा, चारुदत्ता और इसके साथ साथ आखिरी है स्वप्नवासन दत्ता। ठीक, चौथी दंदिन, एक पोएट्री आर्टिस्ट थे भाई ये। तो भाई दंदिन ने क्या लिखा? दशकुमार चरितम लिखी, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए आर्यभट्ट पे, आर्यभट्ट की तीन कंपोजिशन, आर्यभट्टीय, सूर्य सिद्धांत और ब्रह्म सिद्धांत। नेक्स्ट आइए वराहमिहिर पे, तो भाई वराहमिहिर ने क्या लिखे? पंच सिद्धांतम लिखा और बृहत संहिता लिखी। ठीक, इसके साथ मैंने कुछ आपको अलग भी कंपोजिशंस पढ़ाई हैं, जिसमें विष्णु शर्मा का नाम आता है, जिन्होंने लिखी पंचतंत्र। कामसूत्र वत्स्यायन के द्वारा लिखी गई, मृच्छकटिकम शूद्राका के द्वारा लिखी गई, कृतार अर्जुनिया भैरवी ने लिखी, और एक आखिरी किताब थी अमर कोशा दो की अमर सिंह ने लिखी थी। इसी तरीके का कंटेंट 3 मार्कर, 5 मार्कर और 11 मार्कर से रेलेवेंट आप लोगों के लिए पेश किया जाता रहेगा। फोर्स एमपीपीएससी के साथ जुड़े रहें। कहानी यहीं तक की नहीं थी, फोर्स ने अपना ऐप जो है वो प्ले स्टोर पर लॉन्च कर दिया है। अगर आप चाहें तो अब आप घर पर बैठकर ऑनलाइन क्लासेस को भी अवेल कर सकते हैं, और अगर आप देखें तो यूट्यूब पर भी इसके कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जो एनडीए, सीडीएस, एफकैट, UPSC, MPPSC, MPSI ऐसी अन्य एग्जाम्स के लिए एक्सपर्टीज के द्वारा वीडियोस अवेलेबल है। यू कैन गेट टू थ्रू दैट, और यू कैन गो टू द ऑनलाइन ऐप वेर यू कैन गेट द कंप्लीट कोर्स अवेलेबल। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।